नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता से ये वादा किया था कि जब उनकी सरकार वापस आएगी सत्ता में, तब वो बिहार के युवाओं को 10 लाख नौकरियां देंगे, रोजगार देने का वादा उनकी तरफ से किया गया था। और अब बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन चुकी है, जहां तेजस्वी यादव बिहार के नए डिप्टी चीफ मिनिस्टर चुने गए हैं। ऐसे में आज एसटीईटी अभ्यर्थियों ने राजभवन तक मार्च किया और तेजस्वी यादव को उनका ये वादा याद दिलाया कि उन्होंने 10 लाख रोजगार देने का वादा बिहार के युवाओं से किया है। क्या कुछ कह रहे हैं एसटीईटी अभ्यर्थी, क्या कुछ किया है उन्होंने प्रदर्शन के दौरान, किन किन बातों को उनकी तरफ से रखा गया है, पहले आप उनकी पूरी बातों को सुनिए और प्रदर्शन की तस्वीरों को देखिए। राजभवन मार्च कर रहे हैं, पिछले 1.5 सालों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेरिट में आने के बावजूद भी सरकार हम लोगों को नियुक्ति नहीं कर रही है। हम लोगों का सरकार से यही मांग है जो नई सरकार बनी है कि 30,675 स्टेट में जो मेरिट में आए हुए हैं उनकी नियुक्ति की गारंटी ले सरकार, और बिहार के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों की बहाली ले। आप देख रहे होंगे कि जो पूर्व में शिक्षकों की बहाली हुई है वो डिग्री लाओ और नौकरी पाओ वाले शिक्षक हैं, जो लगातार बिहार में हास्यास्पद का कारण बनते हैं, जिनको जनवरी फरवरी और संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं आता है, वैसे शिक्षक बिहार के सरकारी विद्यालयों में भरे पड़े हैं। और हम लोग जो एग्ज़ाम दे करके मेरिट में आए हैं, लेकिन हम लोगों को मेरिट को सरकार जो है अर्थहीन कर दिया है, और लगातार 1 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो नई सरकार बनी है, इस नई सरकार का जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने तो वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और जब हम लोग उनसे पिछली बार मिले थे तब उन्होंने यह भी कहा था कि हम तुम लोग मेरिट वाले को नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। हम वही वादा याद दिलाने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से ये अपील करते हैं कि अपना वादा याद रखिए माननीय तेजस्वी यादव जी, और मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करिए, अगर आप नहीं करिएगा तो हम लोग तैयारी आ गई धारी जिंदाबाद। हम लोग आज राजभवन मार्च करने जा रहे हैं और राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे कि ये सरकार जो निष्ठुर है, ये नहीं सोच रही है मेरिट धारी के लिए, इनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि 30,675 जो मेरिट धारी हैं उनकी नौकरी सुनिश्चित करनी पड़ेगी। ये दीपक कुमार जो नीमा कॉल वाले हैं उनका नहीं चलने देंगे शिक्षक, नॉट मेरिट शिक्षक नहीं चलने देंगे, मेरिट धारी जो शिक्षक हैं उनको नियुक्ति देनी होगी, ये टाल मटोल नहीं चलने देंगे। आज हम लोग राजभवन मार्च जा रहे हैं और राज्यपाल जी को ज्ञापन सौंपेंगे, साथ ही साथ तेजस्वी जी से उनको बधाई देंगे और बोलेंगे जो 10 लाख की वादा किए थे उनको रोजगार देना होगा, क्योंकि वह युवा की सरकार बनी है। ये नीतीश सरकार जो है निष्ठुर है, सिर्फ दारू की चर्चा करती है, शिक्षा की चर्चा नहीं करती है। अभिषेक कुमार झा, चितकोहरा गोलंबर से राजभवन मार्च कर रहे हैं, पिछले 1.5 सालों से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मेरिट में आने के बावजूद भी सरकार हम लोगों को नियुक्ति नहीं कर रही है। हम लोगों का सरकार से यही मांग है जो नई सरकार बनी है कि 30,675 स्टेट में जो मेरिट में आए हुए हैं उनकी नियुक्ति की गारंटी ले सरकार, और बिहार के सरकारी विद्यालयों में गुणवत्तापूर्वक शिक्षकों की बहाली ले। आप देख रहे होंगे कि जो पूर्व में शिक्षकों की बहाली हुई है वो डिग्री लाओ और नौकरी पाओ वाले शिक्षक हैं, जो लगातार बिहार में हास्यास्पद का कारण बनते हैं, जिनको जनवरी फरवरी और संडे मंडे का स्पेलिंग नहीं आता है, वैसे शिक्षक बिहार के सरकारी विद्यालयों में भरे पड़े हैं। और हम लोग जो एग्ज़ाम दे करके मेरिट में आए हैं, लेकिन हम लोगों को मेरिट को सरकार जो है अर्थहीन कर दिया है, और लगातार 1 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। जो नई सरकार बनी है, इस नई सरकार का जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने तो वादा किया था कि हम 10 लाख रोजगार देंगे, और जब हम लोग उनसे पिछली बार मिले थे तब उन्होंने यह भी कहा था कि हम तुम लोग मेरिट वाले को नियुक्ति सुनिश्चित करेंगे।
हम वही वादा याद दिलाने के लिए माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी से ये अपील करते हैं कि अपना वादा याद रखिए माननीय तेजस्वी यादव जी, और मेरिट अभ्यर्थियों की नियुक्ति सुनिश्चित करिए। अगर आप नहीं करिएगा तो हम लोग आर पार की लड़ाई के लिए आगे भी तैयार रहेंगे। इसी के साथ हम लोग आज राजभवन मार्च, मेरा नाम आलोक यादव हुआ। चुप्पी तोड़ो तो प्रतिभा की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे तो प्रतिभावान शिक्षकों की हत्या नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली लेनी होगी बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली लेनी होगी। बिहार के विभिन्न जिलों से आए एसटीईटी अभ्यर्थियों ने पटना के चितकोरा मोड़ से राजभवन तक मार्च किया। अभ्यर्थियों ने सरकार पर आरोप लगाते हुए बताया कि वर्ष 2019 में एसटीईटी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बावजूद 30,675 अभ्यर्थियों का चयन नहीं किया गया है। लगातार अभ्यर्थियों ने इस विषय को लेकर शिक्षा विभाग के मंत्री सहित कई आला अधिकारियों से, वही कुछ वक्त पहले नेता प्रतिपक्ष और मौजूदा सत्ता में आए और दूसरी बार डिप्टी सीएम बने तेजस्वी यादव को याद दिलाते हुए कहा है कि उन्होंने हमसे मिलकर हमें सरकार से नौकरी देने का वादा किया था। अब उस वादे को याद दिलाने के लिए एसटीईटी मेरिट में शामिल अभ्यर्थी राजभवन मार्च कर रहे हैं। अभ्यर्थियों ने बताया है कि बीते 1.5 सालों में कई गुहार लगाई गई, फिर भी अब तक कोई परिणाम हासिल नहीं हुआ। अभ्यर्थियों ने बताया कि सरकार के कई विभागों में पद रिक्त है, वहीं एसटीईटी अभ्यर्थियों के मेरिट लिस्ट में शामिल होने के बाद ये बेरोजगारी का आलम झेलने को मजबूर है। इस मार्च के जरिए अभ्यर्थी सरकार का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कराना चाहते हैं। एसटीईटी अभ्यर्थियों ने कहा कि जब वर्तमान डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे, तब उन्होंने एसटीईटी अभ्यर्थियों से मिलकर ये वादा किया था कि वो सरकार से उन्हें उनकी नौकरी दिलवाएंगे। अब टाइम आ गया है उनके वादे को याद दिलाने का। जिस क्रम में विभिन्न जिलों से आए एसटीईटी अभ्यर्थी राजभवन तक मार्च कर रहे हैं और तेजस्वी यादव को उनका वादा याद दिला रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही। नमस्कार।